पाकुड़ में महिलाओं ने रोजगार के लिए नया तरीका ढूंढ लिया है। महिलाएं संगठन बनाकर घरेलू इस्तेमाल में आने वाली चीजें बनाती हैं, यही नहीं हाट लगाकर बनाए हुए सामान को बेचती भी हैं, जिससे आज की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा की महिलाओं ने मिसाल कायम की है। रघुवर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत आज महिलाओं के पास रोजगार है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। घाघरी गांव की महिलाओं ने न केवल घरेलू इस्तेमाल में आने वाले सामान को बनाने का प्रशिक्षण दिया, बल्कि बाजार नहीं होने पर खुद ही हाट लगाने का फैसला लिया। हम लोन लिए समूह से 30,000 रुपया और उससे हम दुकान बनाए, कपड़ा लेके आए। दीदी लोग हिरणपुर में बनाती है, वो लोग से हम लेके आए। और पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही रहते थे, लेकिन अभी समूह में जोड़ने के बाद हम लोग दुकान बनाए हैं। और बहुत समूह में जोड़ने के बाद बहुत हम लोग को लाभ मिला है और बहुत तरह की हम लोग बिजनेस भी अभी शुरू किए हैं और कर रहे हैं। जब यहाँ पे आए सबसे पहले सबसे मेजर दिक्कत था यहाँ पे कि जो लोग यहाँ से दुकान या बाजार करने के लिए जाते थे बहुत दूर जाना पड़ता था, शाम में लौटते समय उनके लिए गाड़ियाँ नहीं होती थी, ये तो उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले अभी SV स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत हम JSLPS में 50 लाख रुपये का लोन आता है, जिससे MEs को, माइक्रो इंटरप्राइजेस को खड़ा करने के लिए BRC ब्लॉक रिसोर्स कमेटी उनको लोन प्रोवाइड करती है। जब महिलाओं को झारखंड राज्य लेवलीहुड आजीविका मिशन और रघुवर सरकार का सहयोग मिला तो जैसे महिलाओं की उड़ान को नए पंख लग गए। छोटा छोटा बिजनेस के लिए ये लोग अगर बिजनेस करेगा ठीक से, अपना आजीविका भी होगा, ये हटिया से यही सुविधा होगा, जो लिट्टी पड़ा हटिया दूर पड़ता है, यहाँ पर नजदीक पड़ेगा। लोगों ने क्या किया कि इनको समूह से जो जोड़े हैं उससे इनको ऋण उपलब्ध करवा के और सरकार से, मुखिया जी से बातचीत करके जो सरकारी जमीन है उसमें इनको जगह दिलवाए हैं और आने वाला समय में इस गांव को हम लोग भारत सरकार के पास भी सेलेक्ट करके भेजे हैं, जिसमें इन यहां पे मनरेगा से कन्वर्जेंस करके एक सेट भी बनाने की बात हो रही है। सरकार की इस पहल ने महिलाओं के चेहरे पर खुशी ला दी है। महिलाएं संतुष्ट हैं कि अब अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो कुछ कर पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।